अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सभी लोगों को खुश हो, आबाद, हंसता मुस्कुराता रखें। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम मौला है। आज हम आपके लिए सब्ज़ी की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम तुरई और अंडा की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनने वाली है ये सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने की बस थोड़ी बहुत जो ट्रिक होती है वो हमने आपके साथ शेयर की है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है तो आपकी समझ में आएगा कि कितनी देर तक किस तरीके से कैसे पकाना होता है, जिससे कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम अंडे के साथ तुरई बनाने वाले हैं, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया जज़ाकल्ला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, यहाँ पे हमने नेनुआ लिया है 5 अदद। ये हमारे गार्डन का फ्रेश सा नेनुआ है। वज़न तो हमने नहीं किया है, तकरीबन इसका वज़न 500 से 600 ग्राम के करीब होगा। और यहाँ पर देखिए, 3 इस साइज़ के प्याज को हमने इतने नेनुआ के लिए इस्तेमाल किया है। सभी को अच्छे से हम छील के और धुल के साफ़ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने छील के धुल के साफ़ कर लिया है, तो थोड़ा सा मोटा है। इसको हम इस तरीके से बीच से कट लगा लेंगे, 2 पीस में इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि 4 पीस हो जाए। और छोटे छोटे से पीस को हम कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। बहुत ही नरम मुलायम सा है, बस देखने में थोड़ा सा मोटा लग रहा है, लेकिन देखिए बिल्कुल भी बीज नहीं पड़े हैं। बहुत ही स्पंजी सा और बहुत ही नरम सा हमारा नेनुआ है। तो फटाफट से हम इसको कट कर लेंगे। और इस तरीके का जो थोड़ा सा मुलायम और पतला सा रहेगा उसको बस हमने एक कट बीज से लगा के 2 हिस्से में डिवाइड कर लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है। तो इसी तरीके से हम सब कट करके तैयार कर लेंगे। और सब प्याज भी हम धुल के अच्छे से और उसे भी कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब कट हो गया है और बाकी सामान भी हम देख लेते हैं। तो नेनुआ हमने यहाँ पे कट करके रख दिया है और यहाँ पे प्याज भी हमने कट करके रख दी है। और यहाँ पे देखिए, हमने बारीक बारीक 5 से 6 सब्ज़ मिर्चों को कट कर लिया है और कुछ लहसुन को हमने इस तरीके से बीच से आधा कट कर लिया है, बारीक बारीक कर लिया। और 2 अंडा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सरसों के तेल में हम बनाने वाले हैं, बाकी नमक और हल्दी जाएगा और बस इसके अलावा और कोई सामान इसमें हम नहीं डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी है और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो कढ़ाई में हम तेल डालेंगे सरसों का। तो यहाँ पे देखिए हमने तेल डाल दिया है, तेल को हम गरम होने देंगे। तेल जैसे ही गरम होगा इसमें हम प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम इसमें फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो प्याज हमने डाल दिया और इसी के साथ ही इसमें हम नमक शामिल कर देते हैं ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। 1 चम्मच से थोड़ा कम हमने नमक शामिल किया है और हम इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे 1/2 चम्मच। हमने नमक इसलिए थोड़ा सा कम शामिल किया है, नेनुआ अभी देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन पकने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से नमक शामिल किया जाता है। और फिर जब हम अंडा डालेंगे तो अंडे में हम थोड़ा सा नमक डाल के फेंटेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी गोल्डन सी प्याज जब हो गई है तो हमने एक तरफ करके उसको इधर हमने मिर्च और लहसुन को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। कुछ सेकेंड तक हम इसके साथ फ्राई करेंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें नेनुआ डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के हम इस तरीके से थोड़ा सा चला के मिक्स कर दिया करेंगे। और फिर हम सब डाल के अच्छे से कर देंगे मिक्स। और आँच को हमने मीडियम हाई ही रखना है, आँच को हम लो नहीं करेंगे। नेनुआ जैसे जैसे पकता जाएगा तो फिर अपना पानी भी छोड़ता जाएगा और पानी को हमें जलाना भी है। तो देखिए यहाँ पे पकना शुरू होगा जैसे ही नेनुआ, तो पानी छोड़ना स्टार्ट करेगा। नमक हमने प्याज में ही डाल दिया था, तो नमक जब रहता है नेनुआ में पहले तो फिर वो जल्दी से पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो देखिए इस तरीके से मीडियम हाई आंच पे करके हमने इसको इस तरीके से चलाते हुए पकाते रहना है ताकि नेनुआ पकते हुए अपना पानी भी छोड़े और पानी भी खुश्क होता रहे। तो देखिए इस तरीके से जब पानी खुश्क हो जाए, बस थोड़ा सा पानी रह जाए, तो यहाँ पर आके हमने अपने जो अंडे हमने 2 रखे हुए थे दोनों फेंट के हम इसमें शामिल कर देंगे। और देखिए अगर आपको बड़े बड़े टुकड़े पीस चाहिए कि यहाँ अंडे दिखें, तो आपने इस तरीके से चलाना है जैसे मैं चला रही हूँ, थोड़ा सा रुक रुक के। और अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल कीमे की तरह बिल्कुल अंडा पता भी नहीं चले और बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए, तो जैसे ही आप डालें उसको फटाफट से चलाते रहें तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और अगर आपको दिखने वाला चाहिए तो फिर आप इस तरीके से चलाएँगे, तो फिर देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंडा दिखेगा। और फिर हमने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दी है और अभी आँच को हमने मीडियम हाई ही रखा हुआ है और पानी भी जो निकलता जा रहा है वो खुश्क होता जा रहा है, हम भूनते भी जा रहे हैं। और उसी के साथ हमने सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर दी है अच्छे से। और अब देखिए हमने मिक्स करके इसको चला दिया है, बहुत ही अच्छे से भुन गया है पानी, बहुत ही अच्छे से खुश्क हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल भुनी हुई सूखी सी हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। चीज़ें सब वही पड़ती हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक अगर आप अपना लें तो उसी सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। तो इस तरीके से एक बार ट्राई करें, घर वालों को पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। हमारे चैनल का विजिट करें, हमारे चैनल पे आपको सब्ज़ी की भी बहुत सारी रेसिपी मिलेगी, सब्ज़ी की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप चेक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें किसी अपने के साथ। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है,
अपने इस चैनल इजी रेसिपी बाई शबीना को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो, आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।